दस्तक में खबर दिखाकर हम भूल नहीं जाते, खबर के अंजाम तक पहुंचने का पीछा करता है दस्तक। 16 दिसंबर रात 10 बजे आज तक ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तोड़ने वालों का सच दिखाया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का इलाका, और जनता को इसी प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की विशेष बेंच ने हर कीमत पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन सरकारें और एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में संवाददाता नितिन जैन ने बताया कैसे सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद तड़के सुबह 4 बजे दिल्ली के नेताजी नगर में बड़ी मशीनों से निर्माण का काम जारी है। प्रदूषित हवा में निर्माण सामग्री और जहर न फैलाए, इसीलिए तो रोक लगी। लेकिन आज तक की दस्तक पे 16 दिसंबर को हमने बताया कैसे चारों तरफ प्रदूषण फैलाने वाला काम जारी है, वो भी भारत की सर्वोच्च अदालत से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर। यह है देश की राजधानी का इलाका नई दिल्ली, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रात के अंधेरे में सरेआम खुदाई चल रही है। बड़े बड़ी जेसीबी लग रही है, ट्रकों में मिट्टी भरी जा रही है, और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और आप देखिए यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। आज तक किसी दस्तक ने दिल्ली सरकार को कार्रवाई के लिए सक्रिय किया, एनबीसीसी की साइट को सील करने का निर्देश दे दिया गया, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का आदेश हुआ, आगे भी आदेश तोड़ा गया तो कंपनी ब्लैकलिस्ट की जाएगी। हमने आपके चैनल पे देखा कि वहाँ पर रात के अंधेरे में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अभी नेताजी नगर की जो साइट है उसे सील करने का निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि बार बार ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी, इसलिए 1 करोड़ रुपए के पेनाल्टी का जो है वो इनको निर्देश दिया गया है। आज तक ने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन पर बैन के बावजूद राजधानी दिल्ली में न केवल ट्रकों की एंट्री हो रही है, बल्कि साफ तौर पर जो निर्माण के काम है वो भी लगातार जारी हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने साफ तौर पर नेताजी नगर की उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका है जो रात के स्याह अंधेरे में निर्माण का काम कर रही थी। आज तक आपके लिए, आगे भी आपकी सांसों की सुरक्षा के इस दस्तक को जारी रखेगा। रामकिंकर सिंह के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।